नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे बीम इंजन के बारे में। तो बीम इंजन को डिस्कस करेंगे, जिसको हम क्रैंक एंड लीवर मैकेनिज्म भी बोलते हैं। तो ये क्या है, एक तरह का इन्वर्जन है, जो कि फोर बार चैन मैकेनिज्म होता है उसका एक एग्जांपल है। तो इसको हम समझते हैं बीम इंजन को। तो बीम इंजन के अंदर देखिए, पहले तो ये फोर बार, हमने बात की कि फोर बार चेन का एक एग्जांपल है इन्वर्जन का उसके। तो यहाँ पे चार लिंक कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले जो ये देखिए, ये फिक्स लिंक है, आपको दिखाई दे रहा है, जो कि हम फ्रेम भी बोल देते हैं, रिजिड जो है। तो ये फिक्स जो लिंक है, तो ये पहला तो ये है लिंक, तो फिक्स्ड लिंक ये है फर्स्ट लिंक। ये जो ए बी है, जो कि यहाँ पे क्रैंक का काम कर रही है, तो ये जो है सेकंड लिंक है। तो यहाँ पे ये सेकंड लिंक है। बी से सी, जो कि ये कनेक्टिंग का काम कर रहा है इस लीवर के साथ, इस क्रैंक को, तो ये क्या है कनेक्टिंग, आप इस कनेक्टिंग रोड आप इसको बोल सकते हैं, या कपलर आप इसको बोल सकते हैं। तो ये लिंक है थ्री। तो देखिए, फिक्स लिंक, इस ये कॉर्नर में एक क्रैंक लगी है जो कि इस तरह से रोटेट करेगी, इसके साथ ये कनेक्टिंग रोड लगी है जो कि इससे कनेक्ट है, जो कि ये लीवर है। तो ये लीवर जो है, ये है हमारा लिंक फोर। तो चार लिंक यहाँ पे हो जाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। अब देखिए, इन चार लिंक को किस तरह से अरेंज किया गया है। फिक्स लिंक है, जैसे ही ये क्रैंक रोटेट करेगी तो ये जो कनेक्टिंग रोड है इस लीवर को ओसिलेट करेगी, ये ओसिलेट करेगा इस तरह से। और जब ये ओसिलेट करेगा तो ये जो एंड ई है इसका, ये इस पिस्टन रोड से कनेक्ट है। तो ये पिस्टन रोड से कनेक्ट है, यहाँ पे ये लगा है पिस्टन, और ये पिस्टन किसके अंदर मूव कर रहा है, इस सिलेंडर के अंदर। तो इस सिलेंडर के अंदर ये मूव कर रहा है, तो ये पिस्टन मूव करेगा। यानी कि जैसे ही ये क्रैंक रोटेट करेगी, ये लीवर ओसिलेट करना स्टार्ट करेगा, और ये टू एंड फ्रो मोशन यहाँ पे हमें मिलेगा। तो इसके अंदर क्या है, ये मैकेनिज्म जो है इस तरह से बनाया गया है कि इसके अंदर जो रोटरी मोशन है, तो इसके अंदर जो हमारा रोटरी मोशन है वो कन्वर्ट होता है किस मोशन के अंदर, रेसिप्रोकेटिंग मोशन के अंदर। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन के अंदर कन्वर्ट होता है, या टू एंड फ्रो मोशन आप इसको बोल सकते हैं, इस तरह का इसके अंदर ही कन्वर्ट होता है। तो ये था बीम इंजन, या फिर क्रैंक एंड लीवर मैकेनिज्म आप इसको बोल सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।